अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये फिल्म बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। फिल्म को सर्टिफिकेट देने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन यानी कि CBFC ओ माई गॉड 2 का सर्टिफिकेट रोक दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उन्होंने दूसरी कमेटी के पास फिल्म भेजी है और उनसे उनकी ओपिनियन मांगे हैं। अगर बात नहीं बनती है तो फिल्म को पोस्टपोन भी किया जा सकता है, साथ ही मेकर्स को कोर्ट के चक्कर काटने भी पड़ सकते हैं। इस पूरे मामले में आदि पुरुष का भी बहुत बड़ा योगदान है। आइए जानते हैं क्या है आखिर पूरा मामला। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सूत्रों की माने तो पिछले महीने आदि पुरुष पर हुए विवाद के बाद सेंसर बोर्ड भी सावधान हो गया है। खबरें हैं कि सेंसर बोर्ड फिल्म को प्रमाण देने से पहले इसे रिवाइजिंग कमेटी को दिखा रहा है। आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। रिवाइजिंग कमेटी में फिल्म के मेकर्स तब जाते हैं जब निर्माता को फिल्म को दिए गए सेंसर बोर्ड प्रमाण पत्र पर आपत्ति होती है, या फिर वो फिल्म के कुछ संवादों या गीतों में कोई छूट जाता है। मगर चर्चा यह है कि ओ माई गॉड 2 के टीजर पर सोशल मीडिया में कुछ आपत्तियों के बाद सेंसर बोर्ड अलर्ट हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि टीजर में हिंदुओं को खुश करने के लिए केवल शिव भक्ति दिखाई गई है और चतुराई से फिल्म के वास्तविक विषय को छुपाने की कोशिश की गई है। टीजर में केवल एक ऐसे हिस्से को दिखाया गया है जिसमें अक्षय कुमार भगवान बने हैं या फिर भक्ति की महिमा को दिखाया गया है। बीते 2 सालों में कई फ्लॉप फिल्मों के बाद अक्षय कुमार अपनी 2012 की हिट फिल्म ओ माई गॉड 2 के सीक्वल के साथ वापसी कर रहे हैं। फिल्म में अक्षय कुमार भगवान शिव की भूमिका में हैं। पंकज त्रिपाठी अदालत में अपना केस लेकर आएंगे, जबकि यामी गौतम उनके खिलाफ केस लड़ने वाली वकील बनी है। ओ माई गॉड बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट थी, लेकिन बीते कुछ वर्षों में हिंदू धर्म या हिंदू देवी देवताओं को खराब रोशनी में दिखाने वाली फिल्मों को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब तमाम नजरें ओ माई गॉड 2 पर लगी हैं। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद कहा जा रहा है कि मेकर्स इस फिल्म के मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भक्ति को दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म सेक्स एजुकेशन पर आधारित है, जो भारत में काफी संवेदनशील मुद्दा है। कुछ खबरों में कहा गया है कि फिल्म में समलैंगिकता से जुड़े एजेंडे भी हैं, लेकिन फिल्म के करीबी सूत्रों ने इसका खंडन किया है। मगर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले साल अक्षय कुमार ने फिल्म का नाम लिए बगैर ही विदेश में एक फिल्म महोत्सव में कहा था कि वो एक सेक्स एजुकेशन के मुद्दे पर फिल्म ला रहे हैं। मुद्दे पर एक फिल्म लेकर आ रहे हैं। तब से उनकी आने वाली फिल्मों की लिस्ट को देखते हुए यही कहा जा रहा है कि ओ माई गॉड 2 में वो मुद्दा है। सूत्रों की माने तो सेंसर बोर्ड सुनिश्चित करना चाहता है कि फिल्म किसी भी तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए। मेकर्स इस बात पर चुप हैं कि फिल्म में यौन शिक्षा का मुद्दा है। अब गेंद दर्शकों के पाले में है कि क्या वे ऐसी फिल्में देखना चाहते हैं जो भगवान शिव की स्तुति करने वाली फिल्मों के रूप में स्कूल में यौन शिक्षा का महत्व सिखाती है।